जगदलपुर नगर निगम में नाली निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां ठेकेदार ने 5 साल पहले से बनी हुई नाली को नई नाली का निर्माण दर्शवाकर निगम के सभी इंजीनियर और अधिकारियों के साथ मिलीभगत करते हुए नाली की राशि आहरित करने की कोशिश की, जहां मामला वार्ड पार्षद के संज्ञान में आने के बाद इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल का खुलासा हुआ। वहीं महापौर ने मामले में आनंद फानंद में सभी इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। वहीं बीजेपी के पार्षदों ने इस भ्रष्टाचार के खेल में महापौर के संरक्षण होने और दोषी ठेकेदार को बचाने का आरोप लगाया। ठेकेदार भी दोषी है, ठेकेदार के दस्तखत के बगैर वो फाइल नहीं भरता। सब इंजीनियर को आपने कार्रवाई कर दिया और ठेकेदार को बचाने का प्रयास लगातार कर रहे हो, जिसके चलते एक भ्रष्टाचार को ढकने के लिए दूसरा भ्रष्टाचार वहां चालू कर दिया इन्होंने। जहां पे नाली का औचित्य नहीं था, उस जगह में और एक नाली का निर्माण करके ये शो करने का प्रयास किया गया कि वही नाली। एक राजनीतिक शगुफा है, जिस व्यक्ति को हम 24 अप्रैल को हम जिसको सस्पेंड कर देते हैं अपनी कार्रवाई करने के पूर्ण करने के बाद, वो लोग 27 तारीख को 3 दिन बाद उनको पता लगता है सस्पेंड हो गए तो कागज लाके हमको देते हैं और बोलते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई करो। मतलब ये पूरा एक राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ लगी है और हमें ऐसा महसूस हुआ कि उसको सस्पेंड करना, हमने 24 को कर दिया था, उसके 3 दिन बाद उनको जब पता लगा सस्पेंशन ऑर्डर निकला है तो आ गए उसको बचाने के लिए और सगुफा लेने के लिए कि वो ठेकेदार की गलती है और इसकी गलती है उसकी गलती है। ये तो सरासर एक पॉलिटिकल स्टंट है उनका।